विशाखापट्टनम में एक बायोडीजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 40 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुजरात के नर्मदा में एक महिला ने स्थानीय प्रशासन की उड़ाई नींद, 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में पुलिस से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ी लड़की, घरवालों को परेशान करने का लगाया आरोप। राजस्थान के धौलपुर में पानी की बर्बादी, पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी सड़क पर बहा। दिल्ली के स्पोर्ट नगर में एक गोदाम में लगी आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। कानपुर में एक प्रिंटेक फैक्ट्री में आग में एक शख्स की मौत, एक घायल, दमकल की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। गाजीपुर कोर्ट में कैदी पर हुई फायरिंग के बाद वकीलों का भड़का गुस्सा, कैदी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की जमकर की पिटाई। आगरा में नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी के स्थानीय लोगों ने की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। यूपी के बलिया में छेड़खानी से बचने के लिए महिला ने बच्चे के साथ चलती ऑटो से लगाई छलांग, सड़क पर गिरकर हुई मौत। लखनऊ के गोमती नगर में निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी में दबा मजदूर, 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। कानपुर में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने बिल्डर को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती बिल्डर की हालत गंभीर। यूपी के शामली में एक शख्स ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया, घटना के बाद से आरोपी फरार, आरोपी का भाई और मां हिरासत में। मुरादाबाद में लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजना, 4 युवकों को पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा में एक होटल में प्रेमी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में सिंचाई विभाग में तैनात सीनियर क्लर्क 1100 रुपए घूस लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। लखीमपुर खीरी के रहने वाले एक शख्स की नेपाल के टीकापुर में पीट पीट कर हत्या, आइसक्रीम बेचने के दौरान हुई थी कहासुनी। श्रीलंका में काम के नाम पर बंधक बनाए गए मुजफ्फरनगर और बिजनौर के 8 युवक अपने घर लौटे, परिजनों के चेहरे पर लौटी खुशी। आगरा में ICICI बैंक में फर्जीवाड़े का खुलासा, एक शख्स ने सोने की जगह पीतल रखकर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। यूपी में देवरिया की जेल में बवाल, नशे की गोली पकड़े जाने के बाद कैदियों के बीच मारपीट, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। लखनऊ में दिल दहलाने वाली घटना, पिता ने मासूम बच्ची को नदी में डुबोया, लोगों ने की जमकर धुनाई, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में शादी समारोह से लौटते वक्त सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत, 9 घायल। 2 हफ्ते के बाद पुलिस ने RTI कार्यकर्ता की हत्या की रिपोर्ट दर्ज की, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीतापुर में शादी के जश्न में हुई फायरिंग से एक नाबालिग की लड़की की मौत, 2 लोग घायल, 2 सिपाहियों पर फायरिंग का आरोप, 1 हुआ गिरफ्तार। आगरा में पुलिस बल को साप्ताहिक छुट्टी की मंजूरी, काम के तैनात को देखते हुए SSP ने लिया फैसला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में PCS अफसर की हत्या के मामले में पत्नी पर मुकदमा दर्ज, आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से श्रवण यात्रा के नाम से बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा शुरू, विशेष ट्रेन को किया गया रवाना। उत्तर प्रदेश के सीतापुर बार बालाओं के डांस पर अंधाधुन फायरिंग, 1 युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के झांसी में बलात्कार की शिकार लड़की के खुदकुशी करने के बाद जागी पुलिस, आनंद फन में आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बिजली पानी के बिना छात्र रहने को मजबूर, सरकार बेपरवाह। उत्तर प्रदेश के संभल में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, बाइक चोर गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिल बरामद। अमृतसर में BSF के वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक पर बैठे 7 साल के मासूम की मौत, गुस्साए लोगों ने गाड़ी में की तोड़फोड़। अमृतसर में बस स्टैंड के पास एक मार्केट में 4 मंजिला दुकान में आग से अफरातफरी, लाखों का माल जलकर खाक। जालंधर में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 भाइयों समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 1 ने की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई। पंजाब के बरनाला में कर्ज चुकाने के नाम पे किसान ने अपनी मां के साथ की खुदकुशी, कीटनाशक भी कर दी जान, तमाशा देखती रही, वसूली में गई पुलिस। पंजाब के फरीदकोट में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत।
राजस्थान के करौली में बारातियों से भरी बस पेड़ से टकराई, हादसे में बस की छत पर सवार कई लोग जख्मी। राजस्थान के सिरोही में एक कारोबारी से दिनदहाड़े 20 लाख की लूट, बाइक सवार लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम। राजस्थान के चूरू में शराबबंदी की मांग को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, सड़क पर फोड़ी शराब की बोतलें। धौलपुर के मनिया गांव में दहेज के खतरे के विवाहिता की हत्या, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। राजस्थान के कोटा में सामने आया बीजेपी का अंदरूनी कलह, पार्षद ने लगाया महापौर के खिलाफ शहर में पोस्टर। टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी खुदकुशी केस में नया खुलासा, प्रत्युषा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज को आखिरी बातचीत में फोन पर धोखेबाज कहा। आरोपों में घिरे राहुल राज ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा प्रत्युषा पैसे को लेकर तनाव में थी, इसके बावजूद मैं शादी करने जा रहा था। मुंबई में स्टेशन पर कैमरे में कैद हुई पुलिस वालों की लूट, मुसाफिरों से पैसे छीनते दिखे जीआरपी के जवान। मुंबई की लोकल ट्रेन के लिए पश्चिम रेलवे ने शुरू की मिस्ड कॉल सेवा, मुसाफिरों को मिल सकेगी आवाजाही की पूरी जानकारी। चौथी तिमाही में मारुति के मुनाफे में करीब 12% की गिरावट, जाट आरक्षण आंदोलन का असर। मराठी वोट बैंक को लुभाने के लिए महाराष्ट्र दिवस की जमकर हो रही है तैयारी, शक्ति प्रदर्शन के साथ शिवसेना को चुनौती देगी बीजेपी। शीना बुडा मर्डर केस में विशेष सीबीआई अदालत ने अमेरिका, सिंगापुर और हांगकांग को लेटर रोगेट्री जारी किया। पीटर मुखर्जी के जमानत की अर्जी पर आज भी होगी सुनवाई, बचाव पक्ष पहले ही रख चुका है अपना पक्ष। एक बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर, कार्यक्रम में कहा दूसरों की मदद करके मिलता है संतोष। करण जौहर ने फिर दोहराया अगर शाहरुख का बेटा आर्यन फिल्मों में उतरता है तो वही करेंगे उसे लॉन्च। सिंहस्थ मेले में अव्यवस्थाओं से नाराज परी अखाड़े की प्रमुख त्रिकाल भवंता ने की जिंदा समाधि लेने की कोशिश, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साध्वी को गड्ढे से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक कॉलेज की पूर्व छात्रा ने प्रोफेसर पर लगाया छेड़खानी का आरोप, घटना के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। मध्य प्रदेश के नीमच में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मंचले ने लड़की को जड़ा चाटा, स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में ज्वेलरी शोरूम में चोरी करती दो महिलाएं सीसीटीवी में कैद, महिला चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। रतलाम में 1 लाख घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया रेलवे का इंजीनियर, एक ठेकेदार से मांगी थी 5 लाख की रिश्वत। बीकानेर में नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक कर मां बाप फरार, अस्पताल के गार्ड ने बच्ची को बचाया। बाड़मेर में भीषण गर्मी से पानी के लिए हाहाकार, जनता तालाबों से गंदा पानी पीने को मजबूर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस कांस्टेबल ने की खुदकुशी, पुलिस को अवैध संबंधों में सुसाइड का शक। शराबबंदी के लिए भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मध्य प्रदेश के सागर में एक शख्स ने किया चुंबकीय शक्ति का दावा, शरीर पर चिपक रही है लोहे की चमचे। बिहार में शराबबंदी के बाद भी होटलों में मेहमानों को परोसी जा रही है शराब, पटना के एक होटल में शराब पीते 7 कारोबारी गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में शराब की 306 बोतल के साथ 2 शख्स गिरफ्तार, थाने से चंद दूरी पर कर रहा था शराब का अवैध कारोबार। पटना सिटी में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस के स्थानीय लोगों से झड़प, भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठी। बिहार के दरभंगा में एक नर्सिंग होम में तोड़फोड़, डॉक्टर से रंगदारी को लेकर अज्ञात बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारियों से की मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के खगड़िया में गिरफ्तार हुआ घूसखोर बीईओ, 1 लाख रिश्वत के साथ रंगे हाथों विजिलेंस की टीम ने दबोचा। आज तक के ऑपरेशन शराबबंदी का असर, स्टिंग में फंसे विधायक विनय वर्मा को कांग्रेस ने थमाया कारण बताओ नोटिस। लालू यादव के बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव फिल्म में बने मुख्यमंत्री, नीतीश के गृह जिले में शूटिंग शुरू। नवादा में टावर पर चढ़कर महिला का विरोध, भारी मशक्कत के बाद प्रशासन ने उतारा। बिहार सरकार का नया फरमान, आग से बचने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ना जलाएं चूल्हा, यज्ञ हवनों से परहेज की अपील। बिहार के गया में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत, जबकि दर्जन भर लोग अस्पताल में दाखिल।
झारखंड के लातेहार से रेल गोदाम में हाथ साफ करने वाले 5 डकैतों पर पुलिस का शिकंजा, हथियारों के साथ लूटा हुआ सामान बरामद। झारखंड पुलिस का मानवीय चेहरा, लातेहार पुलिस लाइन में लगवाया हेल्थ कैंप, 350 मरीजों का हुआ इलाज। झारखंड के जामताड़ा में इलाज के नाम पर महिला के साथ बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। झारखंड के खूंटी में पानी की जबरदस्त किल्लत, प्रशासन ने जूझ रहे लोगों से मदद के नाम पर किया मजाक, टैंकर से भेजा गया गंदा पानी। झारखंड के देवघर में पावर ग्रिड में लगी आग, शहरी इलाके से लंबे वक्त तक बिजली गुल। छत्तीसगढ़ के बस्तर से अस्पताल से इनामी नक्सली फरार, सरकार ने 5 पुलिस वालों को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय ने 6 कुख्यात नक्सली संगठनों पर लगाया बैन, नक्सलियों के धरपकड़ का आदेश। कांकेर से 5 लाख का इनामी नक्सली राजू धुरवा पकड़ा गया, सरपंच के घर से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली से विशाखापट्टनम जा रही समता एक्सप्रेस की बोगी से लाखों की चोरी, रेल पुलिस को नहीं मिला सुराग। राज्य सरकार ने लगातार तीसरी बार आईपीएल मैच के आयोजन को मुफ्त में कराने का लिया फैसला, सरकार पर आएगा 40 करोड़ का बोझ। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर आज केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। आज राहुल गांधी बंगाल में करेंगे चुनावी सभाएं, पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता में करेंगे रैली। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद की बैठक, केजरीवाल फिर से चुने जाएंगे राष्ट्रीय संयोजक। दालों की बढ़ती कीमतों पर काबू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार लाएगी नया कानून, ड्राफ्ट को कैबिनेट ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती के गांव में पेयजल संकट, जनता पानी के लिए बेहाल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 10 साल के मासूम का कुएं में मिला शव, 19 अप्रैल से घर से था लापता। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से दुर्लभ चाकू चोरी, पुलिस को म्यूजियम के ही किसी कर्मचारी पर शक। उदयपुर के जाडोल गांव में हेलीकॉप्टर से आए दूल्हे को देखने लोगों की उमड़ी भीड़, गांव में हुई इस शादी पर दूर दूर तक चर्चा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पीने के पानी को लेकर हाहाकार, लोगों ने बांकुड़ा जाने वाली सड़क पर घंटों लगाया जाम। शाहरुख ने फिल्म ट्रैफिक के लिए मनोज वाजपेयी को दी शुभकामनाएं, कहा मनोज वाजपेयी से काफी कुछ सीखा। गुडविल एम्बेसडर बनाने के विवाद में सलमान को मिला ऐश्वर्या बच्चन का साथ, बिना नाम लिए बोली अच्छा काम करने वालों को मिलना चाहिए सम्मान। जम्मू कश्मीर के एनआईटी छात्रों का प्रदर्शन, कहा कैंपस में तिरंगा फहराने तक नहीं बंद होगा विरोध। वाराणसी में संकट मोचन संगीत समारोह में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली ने बांधा समा, अपने सुरों से लोगों को किया मंत्रमुग्ध। बैंगलोर की 12 साल के निलंजना इतिहास रचने की तैयारी में, न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेजी हॉल में करेंगी परफॉर्म। महाराष्ट्र के अकोला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड रूम में जबरदस्त ताक, महत्वपूर्ण कागजात जलकर खाक। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम को फिल्म एमएसजी 2 के लिए मिले 3 अवार्ड, दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन ने दिया पुरस्कार। फिल्म बार बार देखो के प्रमोशन में पहुंची कैटरीना कैफ, फिल्म में कैटरीना के साथ है सिद्धार्थ मल्होत्रा। कंगना ऋतिक विवाद में पिक्चर वॉर जारी, कंगना कैम की तस्वीर के जवाब में ऋतिक रोशन के खेमे ने भी जारी की कुछ तस्वीरें। अपनी फिल्म वन नाइट स्टैंड के प्रमोशन के लिए नागपुर पहुंची अभिनेत्री सनी लियोनी, 29 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म।
थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।